दशहरा मैदान में 15 अगस्त का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ठीक 8:58 पर झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने आसमान में गुब्बारे भी छोड़े। परेड की सलामी के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रदेश और देशवासियों को आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की और 15 अगस्त के पर्व की शुभकामनाएं। अपने संबोधन में उन्होंने देश के महान शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए कहा कि इन महान सपूतों की शहादतों के कारण ही आज हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को भी याद किया जिन्होंने अपने देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बानियां दी। 1857 की क्रांति में हुए शहीदों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अम्बाला में एक स्मारक बनाया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियां शहीदों के बारे में जान सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें। जो अंतिम सांस तक अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेते रहे, प्रिय प्रदेशवासियों, जो कौमें अपने सेनानियों अपने शहीदों को याद नहीं रखती उनका अस्तित्व मिट जाया करता है। ऐसे में उनके उन अमर शहीदों और महान स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इनके त्याग तप और बलिदान के बल पर हमें यह दिन नसीब हुआ। इसी उद्देश्य से 1857 की क्रांति के शहीदों की स्मृतियों को सहेजने के लिए अम्बाला छावनी में शहीदी स्मारक का निर्माण किया जा रहा है जो वह भावी पीढ़ियों को देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा देता रहेगा। इसका कार्य लगभग पूरा होने वाला है। हरियाणा की माटी के लाल राव तुलाराम ने जिला महेंद्र के नसीबपुर में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। उनकी याद में वहाँ जल्द ही एक स्मारक बनाया जाएगा। इसी तरह रोनाथ गांव के शहीदों की याद को ताजा रखने के साथ साथ इसे आदर्श गांव बनाने के उद्देश्य से हमने रोनाथ फ्रीडम ट्रस्ट की स्थापना की है। हमने भावी पीढ़ियों को रोनाथ गांव की गौरव गाथा से अवगत कराने के लिए इसे स्कूल शिक्षा का हिस्सा बनाया है। लोगों को इस गांव के इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए शहीदों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई है। भाइयों बहनों, बड़े ही गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर पानीपत में राज्य स्तरीय समारोह किया गया।